देखो वसंत की फुहारों के साथ आई चैत्र संक्रांति आज सच चुकी है डलिया बुरास बासिंग और प्योली के फूलों से। खिल उठे हैं कोपल, दिखने लगा है उत्साह बच्चों की मुस्कुराहट पर। महकने लगी है हवाएं, खुल चुका है चाशनी बन, फूल दे छम्मा दे जत के दिला उत के दे कशोर। चावल और फूलों से सजने लगी है चौखटे खुशहाली की कामना करती, और उठने लगे हैं हाथ देने को सौगाते। भवरों का गुंजन और हो रहा है प्रकृति का अद्वित संगम। कहने को आज फुलदेई है आई, और हमने घर की देहरी सजाई। चैत्र संक्रांति के इस पर्व को कुछ इस तरह मनाते हैं। प्योली बुराश बासिंग के फूलों से आओ घर की चौखट सजाते हैं, चलो फुलदे मनाते हैं। प्रकृति के अद्भुत संगम की छटा से घर घर खुशहाली लाते हैं, चलो फुलदे मनाते हैं। जो पलायन कर चुके हैं पहाड़ से आओ उनको भी याद दिलाते हैं कि एक लोक पर्व है उत्तराखंड का, प्रकृति को आभार प्रकट करने का, आओ उन सबको याद दिलाते हैं। घर की चौखट फूलों से फिर से सजाते हैं, आओ फुलदे मनाते हैं। मैं अपने बचपन की यादों में गोती लगा उठी जब पूछने लगी मेरे बगल में बैठी एक लड़की, क्यों घर की चौखट को फूलों से सजाकर श्रृंगार है उसका किया गया। बड़ी आश्चर्य सी विस्मय सी मैं उसे निहारती और सोचती, क्या जाने ये भी जब हम ही ने ना बताया उसे क्यों मनाते हैं फूलदेई।